हम कामयाबी कहते किसको है और नाकामी की डेफिनेशन हमारी डिक्शनरी में क्या है? नाकामी की डिक्शनरी, नाकामी की डेफिनेशन हमारी हमारी लुगत में, हमारी डिक्शनरी में हम नाकामी कहते किसको हैं? ये दुनिया को नहीं पता। दुनिया गुमराह है, गुमराह होकर चल रही है। वो शराब जो के आगे धोखा है उसको कामयाबी कहते हैं, उसे कामयाबी कहते हैं। और असल कामयाबी को छोड़कर दुनियावी और सामने के धोखे को कामयाबी कहते हैं। मैंने जब ये सब ये कुछ हो रहा था, आप यकीन जानो मुझे रत्ती बराबर, एक जर्रे बराबर, एक लम्हे के लिए भी मुझे इस इलेक्शन के रिजल्ट से कोई सरोकार नहीं रहा कि हमारे नंबर क्या होंगे, हम हारेंगे हम जीतेंगे। पहले दिन से मैं आपसे कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, हमेशा कहता रहूंगा कि साथियों याद रखो, ये इलेक्शन पीएसपी नहीं हारी है, ये कराची के लोग हारे हैं। हम नहीं हारे, कराची के लोग हारे हैं। मेरी तनख्वाह जो बढ़ जानी थी इलेक्शन जीतने के बाद, वो नहीं बढ़ेगी। क्या ये हालात है हमारे? मुझे कोई जायदाद मिलनी थी, वो नहीं मिलेगी। क्या ये हमें हमारे मेरा 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 तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, आपका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। हमने कुछ सोच रखा था, हम तो नहीं हारे, कराची के लोग हारे हैं। कराची के हम क्यों हारे हैं, क्यों मैं कह रहा हूं वो हारे हैं, कराची के लोग हारे हैं इसलिए कि अभी उनको गटर मिला पानी पीना पड़ेगा, अभी उनको कचरे के दरमियान रहकर उनको बीमारी सहनी पड़ेगी, अभी उनको 12-12, 18-18 घंटे के लिए बिजली के बगैर अपने बच्चों को तड़पता हुआ देखना पड़ेगा, अभी उनको सरकारी अस्पतालों में बगैर दवाओं के अपने बच्चों को मरता हुआ देखना पड़ेगा, अभी अपने बच्चों को अपने सामने जाहिल स्कूलों के बगैर बड़ा होते हुए देखना पड़ेगा, अभी शहर के नौजवानों को डिग्रियों में को हाथ में लेकर दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। हम नहीं हारे, हम नहीं हारे, कराची के लोग हारे हैं। और इसमें मेरा तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं है, देखो इसमें मेरा तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं है। अल्लाह, हम किस लिए इलेक्शन लड़ रहे थे? आसिफ हसनैन को किस लिए इलेक्शन लड़वा रहे थे कि 14 तारीख के बाद अगर वोट मिलता तो 15 तारीख की सुबह में ये वोटर बोर्ड के एमडी के ऑफिस में बैठा होता, ये आदमी दोपहर में ये केसी वालों के पास बैठा होता, उसके बाद लोगों के दरमियान होता, कचरा उठाने की बात कर रहा होता, बिजली के मसाइल हल कर रहा होता, पानी के कनेक्शन की बात कर रहा होता, लेकर रहा होता, ये काम कर रहा होता। लेकिन अल्लाह नहीं चाह रहा ना, रब नहीं चाह रहा, रब नहीं चाह रहा, रब नहीं चाह रहा कि कराची वाले अभी गटर मिला पानी के बगैर साफ पानी पिए। रब नहीं चाह रहा इस वक्त कि कराची वालों की बिजली की प्रॉब्लम खत्म हो, तो अल्लाह से तो नहीं लड़ सकते, अल्लाह से तो नहीं लड़ सकते। हम नहीं हारे, हम नहीं हारे, कराची के लोग हारे। इसलिए कि हमारी जीत के बाद तो अगले दिन से हमने जागना शुरू कर देना, नींद उड़ जानी है हमारी, नींदें उड़ जानी है हमारी, अभी तो आराम से सोते हैं, हमारी नींदें उड़ जानी है कि भाई कहीं पानी नहीं आ रहा होगा, कहीं कचरा जमा होगा, कहीं बिजली नहीं आ रही होगी, कहीं रोड टूटी होगी। घूम रहे होते दीवाना वार, घूम रहे होते कराची की गलियों में घूम रहे होते। साथियों याद रखो, मेरी माओ बहनों याद रखो, फिर अगर लोग नहीं समझ रहे, फिर अगर लोग नहीं समझ रहे तो फिर क्यों ये दावत दे रहे हैं? लोग अगर नहीं समझ रहे, लोगों की आंखों पे अक्ल शऊर पे पर्दे पड़े हुए, तो क्यों कर रहे हैं फिर हम ये काम? क्यों
क्यों दावत दे रहे हैं ये वाला, ये दावत दिए वाले क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? जब लोग नहीं समझ रहे बात को तो भाई क्यों दावत दे रहे हैं? सुनो सुनो, इसलिए दावत दे रहे हैं लोगों को कि देखो ये अजाब है, ये आज जो शहर का मामला है ये अजाब है, अजाब 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 है, ये अजाब, ये हुक्मरान हमारे ऊपर अजाब है, हमारी अपनी गलतियां हैं, ये अजाब की सूरत में अल्लाह ताला ने हम पर नाजिल कर रखा है। जो अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी मेरे बच्चों को गटर मिला पानी दे, जो दवाओं के पैसे चोरी करे, जो इंसाफ ना होने दे, जो बिजली ना दे, ये सब कुछ अजाब है। जो 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 अस्पतालों में करप्शन करे, बच्चे तड़प कर मर रहे, ये सब अजाब है, ये सब कुछ अजाब है। ये अजाब हम जब आवाज लगा रहे हैं, हमारी बात अगर ये कौम नहीं समझ रही, नहीं सुन रही है, और अगर उसके समझ में नहीं आ रही है, तो हम इसलिए ये आवाज लगा रहे हैं कि देखो अल्लाह ताला दो काम करता है, या तो हिदायत देता है, या तो हिदायत देता है या अजाब देता है या तबाह कर देता है। तो अभी तो वो छोटे छोटे झटके दे रहा है आपको ना, हेपेटाइटिस बी में मार रहा है, करंट लगने से बच्चे मर रहे हैं, ऐसे ही है ना, अगवा हो रहे हैं लोग, ये सब अजाब है, ये सब। तो अभी छोटे झटके दे रहा है कि शायद कौम होश में आ जाए, शायद कौम इस छोटे झटकों से इम्तिहान से समझ जाए। लेकिन नहीं समझेंगे अगर, तो फिर अल्लाह का अजाब उतरेगा, अल्लाह का अजाब आएगा, आएगा गलत रास्ते पे चलने, क्यों नहीं आएगा अजाब? अगर नहीं हिदायत पकड़ी तो अल्लाह ताला का अजाब आएगा। हम इसलिए दावत देने वाले लोग बने हैं सीधे रास्ते की तरफ कि जब अल्लाह ताला अपना कहर नाजिल करे खुदा ना खास्ता, तो अल्लाह ताला मुझे और तुम्हारे बच्चों को उस कहर से बचाए, मुझे और तुम्हारे बच्चों को उस कहर से बचाए कि जब वो फिर मिनतुल कौम तमाम लोगों को तबाह ना करे, मेरे और हमें तुम्हें अलग से रखे, एक तरफ रखे, जिस तरह से नूह को उसके मानने वालों के लिए कश्ती बनाकर उसको निकाल दिया, जिस तरह से नूह की कौम को तबाह करने से पहले, डुबोने से पहले नूह के मानने वाले 80 से 84 लोगों को एक कश्ती बनाकर उसको निकलवा दिया, उसे बचा लिया, जिस तरह से लूत की कौम पर पत्थर बरसाने से पहले उसको रातों रात उसके मानने वालों को उस बस्ती से निकलवा दिया, जिस तरह से और कौमें तबाह करने से पहले एक एक करके मानने वालों को जिस तरह से निकाला, खुदा की कसम मैं और तुम, हम इसलिए काम कर रहे हैं कि जब ये अजाब नाजिल हो तो मेरे और तुम्हारे बच्चों को अल्लाह ताला बचाए, मेरे और तुम्हारे बच्चों को अल्लाह ताला गैब से बचाए, और आज भी बचाएगा। मैं मेरे पास कोई सबूत दलील नहीं है, मेरा ईमान है कि तुम जो लोग जिस मुखलिसी से लगे हुए हो, तुम्हारे बच्चों को बीमारियां नहीं लगेंगी, कम लगेंगी, तुम्हारे बच्चों को उस इम्तिहानात से नहीं गुजरना पड़ेगा जो इस माशरे में लोग गुजर रहे हैं, तुम्हारे रिस्क का अल्लाह कोई बंदोबस्त करेगा, तुम्हें आसमानी आफात से कहीं ना कहीं से बचाएगा, तुम्हें कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से तुम्हें अपने अपनी 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 हिकमत से अल्लाह ताला सेव करेगा। ये मेरा ईमान है, हम बचने वाले लोगों में हो जाएंगे। और अगर अल्लाह ताला ने इस कौम को हिदायत दी, अगर तुम्हारी बात उतार दी, जो कि मेरा 99% ईमान है कि देगा अल्लाह ताला, देगा हिदायत देगा, लेकिन हम कमजोर लोग हैं, हमें बड़े लोगों की तरह अल्लाह ताला नहीं आजमाएगा, हम तो बड़े छोटे कमजोर लोग हैं, हमें तो ये छोटे छोटे इम्तिहान से गुजार कर अल्लाह ताला हमें आजमा कर हमें हिदायत देगा, हमारी कौम को हिदायत देगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब वो टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा, जब लोग आपकी बात मानेंगे तो हम सब लोग सुरखुरू कहलाएंगे, हम सब वो लोग होंगे कि जो के पहली आवाज में, पहली फुर्सत में दावत देने वाले लोगों में शामिल होंगे, हमारा रुतबा दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा होगा, मेरा ये मानना है। बहुत साथियों अपने दिमाग में कोई अपने दिमाग में ये ना रखे, खुदा की कसम बार बार इस वाली बात को दोहराता हूँ, अल्लाह की रजा के अलावा हम ये काम कर ही नहीं रहे, वरना टेंशन हो जाती, कौन
तो अल्लाह की रजा के अलावा, अल्लाह की रजा हासिल करने के अलावा हमारे लिए हमारे पास ये काम है ही नहीं। मुझे अल्लाह ने मौलवी नहीं बनाया कि मैं मिंबर पे बैठकर नमाज पढ़वाऊं। मुझे अल्लाह ताला ने डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाया अपने अपने। मुझे ये सियासत के अखाड़े में मुझे उसने बड़ा किया है, मुझे वर्कर बनाया है। मैंने यही पर अल्लाह को राजी करना है, मैंने इसी जगह से अल्लाह को राजी करना है। क्या सियासत अल्लाह ताला ने अपने दायरे से निकाल दिया है? क्या वो सिर्फ मस्जिदों और मिंबरों का ही अल्लाह है? वो सिर्फ मस्जिदों और मेंबरों का अल्लाह है? क्या सियासत और उसके तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने अपने दायरे कार से निकाल दिया है? नहीं निकाला है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी 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 बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो मंजर मैंने पिछले 1.5 माह में देखा है, जो मंजर हमने बैठ कर वहां पर NA 243 की कैंपेन में मैंने देखी है, जो चीज मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा आज के दौर में किसी पार्टी के पास ऐसे जवान मर्द, मेरी माएं, बहने, बुजुर्ग का जवान नहीं है। हुक्मरान पार्टियों के पास लाखों करोड़ों की लालच के लेकर भी ऐसा काम करने वाले नहीं है। मैं एक का भी नाम नहीं लेना चाहता ताकि किसी एक का नाम रह जाए। काश के मैं एक एक का नाम लू, हजारों नाम लू, जितने सारे लोग हैं ये जो सारे यहाँ पर हमारी मेरी माए बहने, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहने खास तौर पर, मैं जरूर चाहूंगा कि भाई हजरात, मैं नाम एक का भी नहीं जानता, एक भी मेरी बहन का नाम नहीं जानता, रिक्शा करके दोपहर के 3 बजे अपने घरों को छोड़कर आकर वहां से उसके बाद पैदल निकलकर रात शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मेरी माँ, मेरी बहन जो वो दरवाजा खटखटा रही है अपना हाथ में वो कार्ड लेकर, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? मैं कौन से अल्फाज लेकर आऊं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं और मैं कौन से अल्फाज लेकर आऊं? ये मेरी कामयाबी है, ये मैं हर वक्त सजदे में मैं इसका शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ये दुनिया में लोगों के पास अरबों रुपए से भी वो ये वाली दौलत नहीं खरीद सकते, ये वाली एफिलिएशन नहीं खरीद सकते जो अल्लाह ताला ने पाक सरजमीन पार्टी को अता कर दी है। हम इसी लम्हे को, इसी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ पर जमा है। मेरी तरफ से, अनिल भाई की तरफ से आज हम लोग, मैं और ये मेजबान हैं और आज आप सब लोग जो है वो हमारे मेहमान हैं। हम इस इवेंट को, इस लम्हे को हम अपनी मेमोरीज में सेव करें और भूल जाए सारी चीजें। ये अल्लाह ताला तुम्हारे कदमों में कामयाबी डालेगा, तुम्हारी ठोकरों पे काम, तुम्हारी ठोकर पे, तुम्हारे जूती की नोक पर कामयाबी होगी। मैं वो टाइम देख रहा हूँ। ये आज अल्लाह का शुक्र है कि आज की दुनिया वालों की कामयाबियों में शामिल नहीं है। खुदा की कसम, जितने परेशान ये हैं, अगर कोई ये मंजर देख ले, ऐसा लगता है कराची की सारी सीटें हम ही जीत कर बैठे हैं यहाँ पे। अल्लाह माफ करे, जीतने के बाद जो है वो MPM ने आपस में लड़ ले जमीनों की जाना टीवी पे, वो क्या अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें हमने वहां पर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली, इतने नए लोग जुड़ गए हमारे साथ, हमारे पास वहां पर ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं थी। आप देखें इंशाल्लाह ताला कितनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन वहां पर बनेगी। इसी तरह से मैंने 247 में बिल्कुल इसी तरह से, इसी जोश से उतरे हुए, पूरी मेहनत करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो मिरेकल करेगा, अल्लाह ताला मौजज़ा करेगा और उसके बाद मेहनत करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको कबूल करेंगे। इसलिए कि हमें पता है कि हम सच के, अल्लाह ऐसा हो कैसे सकता है कि हमें कामयाबी ना दे? वो फिर तो लोगों का ईमान ही उड़ जाएगा, लोगों का तो कोई सही रास्ते पे आएगा नहीं, इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा जरूर। अल्लाह ताला सीधे रास्ते पे चलने वालों को इम्तिहान के बगैर कामयाबी देता ही नहीं है।
कामयाबी देता ही नहीं है, मुझे इस पे अगर कोई गुमान नहीं, क्योंकि हमें जल्दी नहीं है, मेरा कोई प्लॉट नहीं छूटा जा रहा, मेरी कोई नौकरी नहीं छूटी जा रही, मेरे को पैसे नहीं मारे जा रहे, इसलिए हमें जल्दी नहीं है। जिस दिन लोगों के हालात अल्लाह ताला बदलना चाहेगा, कराची वालों के हालात बदलना चाहेगा, उनके लिए अच्छे दिन लेने, हमारे लिए नहीं उनके लिए, हम नहीं हारते, हम नहीं हार रहे इलेक्शन, कराची वाले इलेक्शन हार रहे, उनके अच्छे दिन शुरू नहीं हुए, उनको भी और रुलना है, अल्लाह ताला ने और रुलाना है, अभी अल्लाह ताला ने और उनको इम्तिहान में डालना है। हमारी दुआ है कि लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे, उनको सीधा रास्ता दिखाए, उनको सही और गलत में तमीज करे। जिस दिन अल्लाह ताला उनको माफ करेगा, उनको हिदायत देगा, उस दिन से आपके आपके पास ये पावर होगी और आप खिदमत करने वाले बन जाएंगे। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। पाक से जमीन पार्टी जिंदाबाद, पाक से जमीन पार्टी के कारकुनान सारे जिंदाबाद। एंजॉय करें, बहुत शुक्रिया।